Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So this is the part 3 of the TYBCOM semester 6 financial accounting MCQ series which we have started. So in the previous two lectures we have covered up many of the MCQs, and I hope you are enjoying these sessions because these sessions are going to clear all your concepts from all the topics of financial accounting. Then after completing the subject of financial accounting, we will be moving towards cost accounting, tax, HRM. सभी subjects के ऊपर आपको videos मिलने वाले हैं जिससे exam तक आपके preparations में काफ़ी ज़्यादा benefit आपको मिलने वाला है। तो अगर आप पहली बार channel पे आए हो तो channel को subscribe कर ले ताकि अगले जो notifications time to time basis पे आपको मिलते रहेंगे उससे आपको ही benefit मिल पाएगा। तो आज हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ सम ऑफ द प्रैक्टिकल शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शुड बी। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द LLP। तो LLP में कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? तो मैंने आपको बताया था कि LLP में कम से कम जो है वो 2 पार्टनर्स ज़रूरी है। तो 2 पार्टनर्स एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है एज पर दी LLP एक्ट 2008, और मैक्सिमम पार्टनर्स की अगर बात करें तो मैक्सिमम देयर इज़ नो लिमिट। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में पेपर में पूछा जा सकता है कि LLP में कम से कम कितने पार्टनर्स ज़रूरी होते हैं। तो LLP में कम से कम 2 पार्टनर्स ज़रूरी होते हैं और मैक्सिमम के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, द पार्टनर्स हु मैनेज द रूटीन एक्टिविटीज ऑफ द LLP आर कॉल्ड एज मैनेजिंग पार्टनर्स, नॉमिनल पार्टनर्स, स्लीपिंग पार्टनर्स और designated partners. I hope you all are knowing the answer for this because we have already discussed about the concept of designated partners. तो इसका right answer है designated partners. तो जो भी LLP के routine activities को manage करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? They are called as designated partners. तो ये आपके सामने एक practical question अभी आया है, इसको ध्यान से समझते हैं, पूरा solve करवाऊंगा। तो प्रैक्टिकल शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट द क्वेश्चन। सुनील लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो सुनील लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए ₹10 का, इसका फेस वैल्यू है, एंड इट इज बीन इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स and also paid them cash of ₹5 for every 3 shares held. Equity share capital की आपको face value दी है ₹10 और उसका amount दिया है 9 lakhs, and we are asked to calculate the purchase consideration from the question which is given to us. तो ये question से हमें purchase consideration को solve करना है। देखते हैं purchase consideration किस तरीके से solve होता है, ध्यान से समझो because इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर हम ध्यान से फर्स्ट लाइन पढ़े तो फेस वैल्यू आपका 10 है और उसके ऊपर 10% प्रीमियम है, ठीक है। तो ₹10 हमें डायरेक्ट परचेस कंसिडरेशन ही ढूंढना है, तो मैं आपको शॉर्टकट करके ही बताता हूँ। 10 पे अगर हम 10% प्लस करेंगे तो 10 का 10% 1 आएगा, मतलब टोटल वैल्यू आपका कितना बनेगा? टोटल वैल्यू विल बी 11, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख इक्विटी शेयर्स बोला है। हाउ मच? 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करने वाले हैं और कितने रुपीस का शेयर है? 10 प्लस 10% प्रीमियम, दैट विल बी 1। तो टोटल वैल्यू इज 11। तो 1 लाख इंटू 11 इफ यू डू, तो योर आंसर विल बी 11 lakhs। इट इज़ नॉट कंप्लीट, वी आर ऑल्सो इशूइंग कैश टू देम। आगे बोल रहे हैं कि कैश भी देंगे फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड ऑल्सो पेड देम कैश ऑफ ₹5 फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। तो मैंने आपको बताया था इक्वेशन काफी सिंपल होता है, देखो 3 शेयर्स हेल्ड, तो 3:5 ये आपका रेशो है। तो आपको क्वेश्चन से पता चल रहा है, तो आपका रेशो क्या बनेगा? 3:5, ठीक है। ₹3, 3 शेयर्स रहेंगे तो ₹5 का कैश मिलेगा, ऐसा इसका मीनिंग है। और हमारे पास टोटल वैल्यू है 9 lakhs। अगर हम 9 lakhs को 10 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एज 90,000। तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 90,000 multiplied by पाई करना है डिवाइडेड बाय 3 करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 1,50,000। इतना क्या देंगे, दिस विल बी द कैश, ये होगा आपका कैश। तो 11 लाख और 1,50,000 अगर हम ऐड करेंगे तो वी आर गेटिंग द आंसर एज 12,50,000। का राइट आंसर अगर हम देखें तो इट्स 12,50,000। आई होप दिस शॉर्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो 12,50,000 is the right answer for this question. So this kind of questions can also be expected in the paper now, because if they ask you some or the other part related to the practical questions, so this kind of short questions are expected. So do revise this kind of questions also. Let us move to the next one. Every designated partners has to apply for डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, मेंबर्स रजिस्ट्रेशन नंबर, LLP रजिस्ट्रेशन नंबर या पैन नंबर। तो एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो होंगे LLP के, उनको अप्लाई करना पड़ता है DIN। DIN का मतलब होता है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसका राइट आंसर है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट विच इज कॉल्ड एज FEF इज ट्रांसफर्ड टू। तो 31 मार्च जब हमारा आता है तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, एंड 31 मार्च को हम वैल्यूएशन की एक एंट्री करते हैं, एंड वॉट एवर बैलेंस वी हैव इन द फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट दैट वी आर ट्रांसफरिंग। तो यहाँ पूछा गया है कि वो जो बैलेंस होता है FEF में वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में, प्रॉफिट एंड लॉस में, रेवेन्यू अकाउंट में या FEF में। तो इसका राइट आंसर बनेगा, इसका राइट आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो वॉट एवर बैलेंस वी हैव इन दी FEF account called as foreign exchange fluctuation account, or it is also called as exchange rate fluctuation account, is transferred to profit and loss account. Let us move to the next one. Purchase consideration is the amount payable to equity shareholders and debenture holders, equity shareholders only, equity shareholders and preference shareholders, इक्विटी प्रेफरेंस एंड डिबेंचर होल्डर्स। तो ध्यान रखना, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग भी ऑप्शंस में दिए हैं पॉइंट्स, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। परचेज कंसिडरेशन हम किसे पे करते हैं, या हम परचेज कंसिडरेशन इक्विटी और डिबेंचर होल्डर्स को देते हैं, या ओनली इक्विटी को देते हैं, या इक्विटी एंड प्रेफरेंस को देते हैं। तो ध्यान से, अब भी मैंने आपको सॉल्व करवाया। देखो, डिबेंचर्स जो है इट्स नॉट द पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जहाँ पे भी डिबेंचर्स है वो ऑप्शन तो अपना गया। इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली नहीं होता, अब भी हमने प्रेफरेंस के लिए भी मैंने आपको बताया था, इक्विटी को कैश दिया था। इक्विटी के साथ प्रेफरेंस भी होता है, इसका राइट आंसर बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो यूजुअली इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रेशो दिया जाता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो भी आपके पहले के प्रेफरेंस शेयर्स थे उतने ही प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं एज पर द फेस वैल्यू 10 और 100 डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो purchase consideration is the amount payable to equity shareholders and preference shareholders. Let us move to the next one. Preliminary expenses is transferred to which account while closing the books of old company. तो preliminary expenses जो है it is one kind of miscellaneous expenses. In simple sentence it can be also called as fictitious assets. Fictitious is the काल्पनिक assets. तो ये पूछ रहे हैं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है अमाल, बेसिकली ये क्वेश्चन देखा जाए तो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ अमालगमेशन, कि अमालगमेशन में जब हम ओल्ड बुक्स को क्लोज करते हैं तब हम बहुत सारे लेजर्स को प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन में, इक्विटी शेयर होल्डर्स में, न्यू कंपनी में, या नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली नन ऑफ द अबव तो आंसर नहीं होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं तो इसको हम ट्रांसफ़र करते ही है। रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स में, कि न्यू कंपनी में, ये तीन में से एक आंसर है। तो ध्यान रखना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है दैट इज़ बीन ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और इक्विटी शेयर होल्डर्स में भी वो ट्रांसफ़र होता है इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट साइड में। अगर कोई रिजर्व रहा, रिजर्व जैसे कि जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारे रिजर्व्स है, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होते हैं। और हमारे पास अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, तो वो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के डेबिट साइड में लिखते हैं। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ पेपर में बन सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जर्नल एंट्री फॉर क्रेडिटर्स एंड डेटर्स म्यूचुअली एडजस्टेड, या एडजस्टेड म्यूचुअली। डेटर्स टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स टू डेटर्स, रियलाइजेशन टू क्रेडिटर्स या रियलाइजेशन टू डेटर्स. तो इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी. तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है. इट इज़ कॉल्ड एज दी म्यूचुअल ड्यूज एडजस्टेड इंटर कंपनी ओविंग्स, ऐसा भी इसको बोला जाता है. मतलब इंटर कंपनी ओविंग्स ये आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देते हैं. एक आपका कंसेप्ट है बिल्स पेएबल, तो इसका एंट्री होता है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. और दूसरा आपका एडजस्टमेंट आता है क्रेडिटर्स या डेटर्स पे, जिसकी एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. ठीक है, क्रेडिटर्स को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन अभी हमें उसे कैंसिल करना है, इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं. तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. तो क्रेडिटर्स टू डेटर्स इज द राइट आंसर. आई होप दिस क्वेश्चंस आर getting clear to all of you because it's very important part of your chapter. So unless and until you are cleared with the basics, these questions will be finding it little bit difficult to you. लेकिन हम इस तरीके से इसको revise करें ताकि आपके concept जो chapter से related है वो भी धीरे धीरे इस पर revise हो सके. The amalgamation adjustment account is presented in the balance sheet under which head? शेयर कैपिटल, करंट लाइबिलिटीज, रिजर्व्स एंड सरप्लस, अदर करंट असेट्स. तो इसका राइट आंसर है रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे एक नया रूल आया है, उसमें अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट रिजर्व्स एंड सरप्लस में लेस किया जाता है. पहले अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बैलेंस शीट के असेट साइड में अदर करंट असेट्स में लिखा जाता था, अभी हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही उसको लेस करके दिखा देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following account is credited? ध्यान रखना credited debited पे कंसेप्ट में. तो which of the following account is credited in case of import of goods? तो import जब हम करते हैं तो कौन सा account credit किया जाता है, debit नहीं पूछ रहे. तो जो हमारा import हम करते हैं तो हमारा first entry होता है, मैं आपको entry भी यहाँ पे लिख के देता हूँ कि entry हमारा होता है purchases account debit. क्या होता है entry? purchases account debit टू पार्टीज अकाउंट. ठीक है, पार्टीज अकाउंट. अगर पार्टी का नाम नहीं दिया तो आपको याद रखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट. सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट. तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है. तो अभी यहाँ पे ऑप्शन में हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट. Sundry creditors is the right answer for this question. These are all the MCQs which are related with the conceptual part, and I hope this all MCQs will concentrate more on the concept clarity. I have more concentrated about the chapters related with the basics of the chapter so that you can get cleared with all the points. Further, let us move further. 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू कंपनी इज टू बी प्रिपेयर्ड एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 अंडर विच शेड्यूल? शेड्यूल 6, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 7. तो ध्यान रखना ये प्रिपेयर किया जाता है शेड्यूल 3 के बेसिस पे. जो वर्टिकल बैलेंस शीट हम इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे फॉलो करते हैं, जो हमारा फॉर्मेट है वर्टिकल बैलेंस शीट का, इज एज पर शेड्यूल 3. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेड्यूल 3. नेक्स्ट इज अनपेड कॉल्स आर टू बी इंक्लूडेड अंडर असेट्स इन स्टैट्यूटरी बुक्स, परचेज बुक्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो ये आपके चैप्टर जो लिक्विडेशन वाला चैप्टर है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट, वहाँ से पूछा गया है. तो जो आपका अनपेड कॉल्स होता है वो हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, वो हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में. ध्यान रखना इट इज़ बीन रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. नेक्स्ट इज अगेन द क्वेश्चन विच आई हैव टेकन इन द प्रीवियस 2 वीडियोज़. जो दो हमने सेशन देखा था पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें भी मैं ये पॉइंट के ऊपर मैंने डिस्कशन किया था. एंड दैट इज़ द लिस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट बिलोंग टू असेट्स स्पेशली प्लेज? लिस्ट सी, लिस्ट डी, लिस्ट बी या लिस्ट एच? तो इसका राइट आंसर है लिस्ट बी. तो अगेन ये सारे लिस्ट आपके पास अवेलेबल है, तो इसका स्क्रीनशॉट अभी ले ले पढ़ने के लिए. और जैसे ही ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो पूरा एक कंबाइंड पीडीएफ बना के मैं ऐप में शेयर करूँगा. तो ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर ले और वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ लाइन में मिल जाएंगे रिविजन के लिए, एज वेल एज पीडीएफ भी वहीं पे शेयर होगा. तो दिस इज द लिस्ट ABCDEFGH. तो ऑल द लिस्ट इज स्पेसिफिकली गिवन टू यू, कैन रीड दिस अकॉर्डिंगली. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. कैश Receivables and payables are the examples of monetary items, non-monetary items, current items या all of the above. तो simple question, it is an example of monetary items because जहाँ पे cash है तो liquid asset माना जाता है cash को, तो it is an example of monetary items. Last question है, if the whole of the issue of shares or debentures is underwritten, it is known as partial underwriting, sole underwriting, फुल अंडरराइटिंग या नन ऑफ दी अबव. अगर पूरा का पूरा जो इशू है वो अंडर राइटिंग हुआ है, अंडर रिटन हुआ है, तो उसे हम कहते हैं सबसे सिंपल फुल अंडरराइटिंग, दैट इज कॉल्ड एज फुल अंडरराइटिंग. तो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन ऑफ टुडे. इफ यू लाइक दिस शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी ये रिविजन्स के जो वीडियोस है उससे बेनिफिट मिल पाए. और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले. थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो. एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर.